वेलकम टू द व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है आपके टेस्ट में तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के आपके टेस्ट में आते हैं। इसलिए अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें अगर सबका टेस्ट हो यानी पास टेस्टों की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चन जो इंग्लिश के वो रिपीट होते हैं, हर दफ़ा ज़्यादा क्वेश्चन नए ही बनाए जाते हैं। इसलिए जो इंग्लिश की तैयारी है ये आपको कंसेप्ट वाइज करनी बेहद ज़रूरी है। तो आपके टेस्ट में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं टेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इंटरैक्ट, प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट वर्ड, आर्टिकल, इन 6-7 कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वाइज और डायरेक्ट इंटरैक्ट बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही सादा अल्फाज में समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक मौजूद है। तो इस वीडियो में जो टेंसेज वो आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टेंसेज से आपके टेस्ट में क्वेश्चन अगर पास टेस्टों की बात करें तो ट्रांसलेट के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हर एक चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो टेंसेज अगर आप लोगों को पहले आते हैं तो ठीक है, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी इस वीडियो से। अगर आप लोगों नहीं आते तो इसी वीडियो से जो आप लोगों को टेंसेज आ जाएंगे, ये अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं बहुत आसान अल्फाज में तकरीबन 40 मिनट में आप लोगों को टेंसेज आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन टेंसेज क्या है। तो टेंसेज एक रूल है, भी काम करना हो असूल और रूल के बगैर वो काम नहीं हो सकता। इसलिए अगर इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश के क्वेश्चन हल करने हैं तो आपको ये लाजमी रूल सीखने पड़ेंगे। तो देखें टेंसेज की अगर बात करें तो इसमें तीन ज़माने हैं, तीन वक्त है, इसमें तीन तरह का टाइम है। उसमें हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमने सीखना है, हमारे टेंसेज कंप्लीट हो जाएंगे। देखें हमारे पास सिर्फ तीन तरह के मतलब है कि ज़माने, तीन तरह के टाइम है। इसमें मतलब है कि हम रहकर जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हमने सीखना है, तो इंग्लिश के रूल कंप्लीट हो जाएंगे। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि 7 टेंसेज हैं या 12 टेंसेज हैं, ये बात अपने जहन से निकाल दो। तो देखिए हमारे पास तीन तरह के वक्त हैं, तीन तरह के हमारे पास ज़माने हैं। नंबर 1 पे है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, यानी प्रेजेंट को तोहफा भी कहते हैं। प्रेजेंट को तोहफा इसलिए कहते हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में रहकर ही उस पर फोकस करके जो काम किया जाता है वो बेहतरीन बल्कि 100% होता है। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपके जहन में पास के यानी गुजरे हुए वक्त के या आने वाले वक्त के ख्यालात आ रहे हैं तो आपका फोकस इस वीडियो पर नहीं है, तो आप मतलब कि इसमें मतलब कि इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिए जो भी काम करना चाहिए वो प्रेजेंट में मौजूदा वक्त में रहकर करना चाहिए, आपके जहन में पास्ट या फ्यूचर की मतलब कि सोचे वगैरह नहीं आना चाहिए। तो पहला मतलब ज़माना है प्रेजेंट यानी मौजूदा, मौजूदा वक्त में जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो मतलब कि प्रेजेंट में आएंगे। नंबर 2 पर आप पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त में आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी आप करते हैं वो मतलब कि हमने सीखना है। नंबर 3 पर अगर देखें तो फ्यूचर यानी आने वाला, यानी आने वाला जो वक्त है उसके बारे में हम प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि क्या क्या मतलब हमने करना है। तो फ्यूचर हम तीन जमानों में रहकर जो हम एक्टिविटीज करेंगे मतलब कि हमारे टेंसेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब तीन जमाने हैं तो तीन जमानों में हम सिर्फ 4 काम करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में रहकर हम सिर्फ 4 काम करते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। यही हमने सीखने हैं। आगे जाके आप लोगों को उर्दू में, इंग्लिश में एग्जांपल देकर हर तरह से समझाया जाएगा। इसी वीडियो से जो आप लोगों की टेंसेज की तैयारी है वो 100% गारंटी के साथ हो जाएगी। तो देखिए प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम 4 तरह के काम करते हैं। प्रेजेंट में हम पहला काम करते हैं इंडेफिनेट, गैर मुकर्रर, जिसके काम का हमें पता नहीं होता, यानी मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, यानी आपको भी समझ आ रही है इसमें कोई मतलब है कि पता नहीं चलता कि कितना काम हुआ है, कब से काम हो रहा है, यानी मैं जो करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, या इसमें आप अपनी रूटीन को, आदत को, या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं जैसे कि सूरज मशरक से निकलता है, सूरज मशरक से निकलता है, पानी मतलब 100 सेल्सियस पर उबलता है, यानी जो कुदरती मतलब के फैक्ट्स होते हैं, या इसके अलावा जो अपनी आदतों को बताने के लिए मतलब कि जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट में हम दूसरा काम करते हैं कंटिन्यूस, यानी वो काम जारी होता है, चल रहा होता है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आगे जाके आपको उर्दू में इसकी पहचान और इंग्लिश में पहचान हर तरह की आपको समझ आ जाएगी, अगर आप वीडियोस मतलब कि सही तरह मतलब देखते रहे तो। तो प्रेजेंट में हम तीसरा काम करते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी वो काम मुकम्मल, मैं नमाज पढ़ चुका हूँ, मैं रोज़ा रख चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं नमाज पढ़ चुका हूँ, मतलब कि जो काम आपने मुकम्मल कर लिया। तो नेक्स्ट हम चौथा काम करते हैं प्रेजेंट में रहकर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी वो ऐसा काम जो कि आधा तो मुकम्मल हो चुका होता है, आधा बाकी जाके करना, यानी मैं सुबह से काम कर रहा था, तो ये भी मतलब है कि परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। इसके अलावा मैं 10 मिनट से चाहे पी रहा था, मैं आधे घंटे से खाना खा रहा था, यानी आधे घंटे वाला खाने वाला काम मुकम्मल हो गया, बाकी अभी खा रहा हूँ, यानी इसमें यह कि टाइम का हवाला दिया जाता है, इसमें बताया जाता है कि आधा वक्त तो आप मतलब आधा काम तो आपने कर लिया, बाकी काम जारी होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस, तो आगे जाके आपको मुकम्मल इसकी समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करें पास्ट यानी गुजरे हुए ज़माने की, इसमें भी हम यही चार काम करें। काम हमारे पास सेम है लेकिन ज़माने हमारे पास डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो पास्ट ज़माने में भी हम इंडेफिनिट करते हैं, आप लोगों को इंडेफिनिट के बारे में बता चुका हूँ। गैर मुकर्रर काम, इसमें अपनी आदतों को, रूटीन को, इसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स वगैरह का मतलब एक आता है। तो दूसरे नंबर पास्ट भी हम पास्ट में हम कंटिन्यूअली काम जारी होता है, तो आप लोगों को बता चुका हूँ पास्ट में परफेक्ट मुकम्मल काम होता है, और पास्ट में आधा काम मुकम्मल हो चुका होता है, आधा हमें मतलब आगे कर रहे होते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी यही काम, यानी चार काम सेम ही हैं लेकिन हमारे पास ज़माने डिफरेंट है। तो फ्यूचर में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट काम भी करते हैं, कंटिन्यूस भी करते हैं, परफेक्ट भी करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले आगे जाके हम टेंसेस सीखते हैं एग्जांपल के देकर, हर एक हिसाब से उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, हो सकता है पहले भी आप लोगों को पता हो लेकिन जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो आप मतलब एक आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि नंबर वन पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो आपने सभी अभी सिर्फ याद रखने हैं, आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि कब इस्तेमाल होने, किस तरह इस्तेमाल होने हेल्पिंग वर्ब, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ फिलहाल याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, वेल, शिल, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी आपको इसमें से कोई भी नज़र आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी डू, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शिल, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो नंबर सेकंड में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की कितनी फॉर्म है, तो वर्ब की तीन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसकी एग्जांपल ये है, एग्जांपल देखें, फर्स्ट फॉर्म है बार्क, भौंकना, सेकंड फॉर्म है बार्क्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बार्क्ड है, यानी तीन फॉर्म होती हैं, जो तीनों फॉर्म ही यूज़ होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल टू की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन, यानी तीन फॉर्म होती हैं। तो आपको समझ आ गई होगी वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वर्ब के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वर्ब के बारे में बता दूं, ये एक एक्शन वर्ड होता है, यानी जो हम काम करते हैं, आई स्पीक, यानी मैं मतलब एक बोलता हूँ, मैं मतलब लिखता हूँ, मैं खाता, मैं जो भी एक्टिविटी, या आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जो वॉचिंग है वो मतलब एक इसमें वर्ब है, यानी वाच या वाचिंग वो मतलब वर्ब है। तो वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो वर्ब कहलाता है सिंपल अल्फाज में। तो नंबर थर्ड पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट में कोई नाम भी हो सकता है इसमें, यानी कोई नाउन भी हो सकता है, और कोई प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि ही, शी, वी, यू, आई, मी, दे, ये सारे क्या, ये सब्जेक्ट हैं। इसमें नाम भी आ सकता है सब्जेक्ट में, और इसमें प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन भी, प्रोनाउन भी। तो नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है, सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। जैसा कि मैं स्कूल जाता हूँ तो काम स्कूल पर हो रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं प्यार करता हूँ तो इसमें लव क्या है, ये मतलब एक ऑब्जेक्ट है। टी, मैं चाय पीता हूँ तो इसमें जो टी है, चाय है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, इस पर काम हो रहा है। तो टीवी, मैं टीवी देखता हूँ तो इसमें टीवी क्या है, इसमें टीवी ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, वो भी आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट पर्सन में आई, आई, वी, मी, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू आर, यूअर्स वगैरह आते हैं, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे वगैरह आते हैं। तो अब हम जाके देखते हैं, सबसे पहले हम मतलब आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम सिर्फ रहकर तीन ही काम करते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। मतलब कि पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर और मेरा काम, सिर्फ चार काम करते हैं, चार के अलावा कोई काम नहीं करते। तो चार वो कौन कौन से काम करते हैं, हर काम को हम आगे डीपली देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को उर्दू में भी, इंग्लिश में हर तरह समझ आ जाए, ईजिली आप टेंसेस सीख सकें। तो देखें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसके आप लोगों को पहले भी अंदाज़ा होगा कि इसके जो उर्दू की अगर बात करें तो इसमें आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ता हो, ता है वगैरह आते हैं। यानी मैं करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं जाना जाता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं मतलब एक बाज़ार जाता हूँ, यानी मैं जो भी ता है, ती है, ते वगैरह आती हैं। तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए उर्दू में कि ये प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब एक सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो इसमें अगर देखें, इसका असूल ये है कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो वर्ब के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, गो, वेंट, गॉन। तो इसमें पहली फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें आप लोगों को तीन मतलब है कि इसमें पॉजिटिव फिक्रा कैसे बनता है, नेगेटिव फिक्रा कैसे बनता है, और सवालिया फिक्रा कैसे बनता है, ये तीन फिक्रे आप लोगों को मोस्टली यही इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों फिक्रों के बारे में आप लोगों को तफसील से बताया जाएगा।
तो देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसको इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि उर्दू में इसकी पहचान ता है, तीते वगैरह आते हैं, उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हम पॉजिटिव फिक्र के एग्जांपल देकर आगे एग्जांपल भी आप लोगों को साथ दी जाएंगी ताकि आप लोगों को मुकम्मल आ जाए टेंसेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें पॉजिटिव फिक्र की, तो इसमें एस का मतलब है सब्जेक्ट, वी वन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और ई एस, एस और ई एस तब लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रों में जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जब हम तीसरे बंदे की बात करते हैं और तीसरा बंदा भी अकेला होता है, फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम यूज़ नहीं करेंगे। तो थर्ड पर्सन के बारे में आप लोगों को पता है ही शी इट दे, जब मैं मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप वीडियो सुन रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आप सेकंड पर्सन हैं, और जब हम दोनों मिलके जब हम थर्ड पर्सन यानी तीसरे पर्सन की बात करेंगे और तीसरा पर्सन भी अकेला होगा, फिर ही हम क्या करेंगे, हम एस या एस का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एस और एस के यूज़ की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा पूरा फिक्रा बन जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे में सबसे पहले एस सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस कब लगना है जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन भी अकेला हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमारा फिक्रा बन जाएगा। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे की एग्जांपल देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे की एग्जांपल यह है कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो इसमें आई क्या है सब्जेक्ट है, स्पीक इसमें क्या है, स्पीक इसमें वर्ब है, और इसमें इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। नेगेटिव और वाले फिक्रे में मतलब एक डू डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मतलब एक फिक्रा होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को पता ही है कि डू डज इज एम आर हैज वार वाज यर, ये सारे क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम नेगेटिव फिक्रे की बात करें तो सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू डज आएगा, ही शी इट के साथ डज आएगा, बाकी के साथ डू आएगा, ये आपने याद रखना है, ही शी इट के साथ डज आएगा, बाकी के साथ डू आएगा। तो उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव फिक्र है तो इसमें नॉट भी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फिक्र। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव फिक्र को हम आगे जाके देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फिक्र है आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले पता होगा कि आई इसमें सब्जेक्ट है, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसमें लग रहा है क्योंकि नहीं की बात हो रही है, नेगेटिव फिक्र है, स्पीक इसमें हेल्पिंग मतलब एक वर्ब है, और इंग्लिश इसमें क्या ऑब्जेक्ट है। तो पूरा बनेगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रे की। तो देखें सवालिया फिक्रे में ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये शुरू में आ जाता है, तो इसमें जो डू डज है ये हेल्पिंग वर्ब ये शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवालिया फिक्रा भी बन जाएगा। तो देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सवालिया फिक्रा है डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू, तो आई के साथ डू लगता है यानी ही शी इट के साथ है मतलब एक डज लगता है, बाकी के साथ डू लगता है। तो डू आई स्पीक इंग्लिश, तो डू देखें शुरू में आ गया, आगे आई इसमें सब्जेक्ट है, स्पीक इसमें वर्ब है, और इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है। तो डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सिंपल है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो उर्दू में पहचान यह है कि उर्दू के फिक्रे आखिर में छोटी ये अलिफ और बड़ी जी आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू फिक्रे की पहचान ये है, उर्दू का मतलब कोई भी जुमला होगा आपको एंड पर छोटी ये अलिफ या बड़ी ये नज़र आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो सेकंड फॉर्म का आप लोगों को बता चुका हूँ, बार्क पहली फॉर्म थी और बार्क सेकंड फॉर्म, यानी इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, ये आपने याद रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फिक्र की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सिंपल इसका फिक्रा बन जाएगा। तो आगे देखते हैं पॉजिटिव फिक्रा। तो नंबर वन पे पॉजिटिव फिक्रा है वी स्टडीड ग्रामर, वी स्टडीड ग्रामर, हमने ग्रामर का मुताला किया, तो एन पर क्या आया ये अलीफ, यानी ये अलीफ छोटी ये मतलब एन पर उर्दू में भी हमें समझ में आ गया कि ये अलीफ आएगा तो वो क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा होगा। तो हमने वी स्टडीड ग्रामर, हमने ग्रामर का मुताला किया। तो नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव फिक्र की, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव फिक्र की, तो इसमें सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, लेकिन अगर बात करें सब्जेक्ट तो आएगा शुरू में, सेकंड मतलब दूसरे नंबर पे आएगा डिड नॉट, यानी इसमें डिड का यूज़ होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे में मतलब एक डिड वगैरह का यूज़ नहीं होगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव फिक्रे में या सवालिया फिक्रे में डिड का यूज़ होता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव फिक्रे में डू या डज इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन नेगेटिव फिक्रे में या सवालिया फिक्रे में डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ही पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें पॉजिटिव फिक्रे में मतलब कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती,
हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव फिक्रे हैं या सवालिया फिक्रे हैं, इसमें मतलब कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो ये आपने याद रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव फिक्रे का स्ट्रक्चर यानी तरतीब ये है कि सबसे पहले एस का मतलब यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव फिक्रा है तो उसमें आएगा डिड नॉट, और इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगी क्योंकि इसमें डिड का यूज़ किया गया, तो डिड भी मतलब कि सेकंड फॉर्म है, इसलिए मतलब कि इसमें दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फिक्रे का तरतीब ये है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव फिक्रे की। तो नंबर टू पे है नेगेटिव फिक्रे की एग्जांपल, वी डिड नॉट स्टडी ग्रामर, वी डिड नॉट स्टडी ग्रामर, हमने ग्रामर का मुताला नहीं किया। तो देखें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आया, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसमें मतलब कि नेगेटिव फिक्रे इसमें नॉट आएगा, स्टडी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ग्रामर इसमें ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट का जो सवालिया फिक्र होता है उसकी मतलब तरतीब यह है कि इसमें मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये शुरू में आ जाता है। तो जो डिड है ये शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसके थर्ड नंबर पे एग्जांपल है, डिड वी स्टडी ग्रामर, क्या हमने ग्रामर का मुताला किया, क्या हमने ग्रामर का मुताला किया। डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सब्जेक्ट इसमें आ गया वी, स्टडी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ग्रामर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो डिड वी स्टडी ग्रामर, क्या हमने ग्रामर का मुताला किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट की समझ आई होगी कि पॉजिटिव की जो तरतीब है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और सवाले फिक्रे में डिड का यूज़ किया जाता है। तो नेगेटिव फिक्रे में मतलब कि डिड ना, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, और सवाले फिक्रे में डिड शुरू आ जाएगा, शुरू से आ जाएगा, और आगे सब्जेक्ट आएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो उर्दू की मैं पहचान है वो आखिर में गा गी गे वगैरह आता है, सिंपल इसकी पहचान है, गा गी गे आएगा उर्दू की पहचान ये है फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो वो क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट को जिसके एंड पे आएगा गा गी गे, ये उर्दू में। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो इसमें विल या शिल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैसे विल ही यूज़ किया जाता है। तो इसकी तरतीब देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव फिक्र है उसकी तरतीब ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल शिल, तो तकरीबन सभी के साथ विल ही आएगा। तो आपने शिल किसी के साथ ही लगाना है, शिल अब आजकल रेयर हो चुका है, मतलब कि काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, तो आपने विल ही लगाना है। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल है फ्यूचर इंडेफिनिट का तरतीब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव है उसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो नंबर वन पॉजिटिव की एग्जांपल, दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे। सिंपल है, इसमें जो दे है ये सब्जेक्ट है, विल इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब, प्ले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है। तो दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव फिक्रे की। तो इसका जो उसकी तरतीब ये है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शिल हेल्पिंग वर्ब आएगा, या इसमें विल ही समझ लो आएगा विल, आगे इसमें नॉट आ जाएगा, और आगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव फिक्रा बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर सेकंड पर इसका एग्जाम्पल है, दी विल नॉट प्ले फुटबॉल, दी विल नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो इसमें क्या है कि दे इसमें सब्जेक्ट, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि इसमें नेगेटिव फिक्रा है, प्ले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रे की पहचान। तो आप लोगों को पहले भी पता चल गया होगा कि जब सवालिया फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, तो विल शिल शुरू में आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रे में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं जाके, नंबर थर्ड पर इसकी एग्जाम्पल है, विल दे प्ले फुटबॉल, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया विल, आगे देश में क्या है, देश में सब्जेक्ट है, और प्लेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है। विल दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलेंगे, क्या वो फुटबॉल खेलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात करने लग गए हैं। तो इसकी उर्दू में पहचान यह कि फिक्रे के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रहे हैं, ये वगैरह आते हैं। इसमें दूसरा असूल यह है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इसमें आई एन जी यूज़ होना ही होना है, इस्तेमाल होना ही होना है आई एन जी। इसमें जो मतलब कि अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज़ एम आर इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ की जाती हैं।
तो इज मतलब एक ही शेड के साथ इज आता है, आई के साथ एम और आर मतलब एक ज़्यादा के साथ मतलब ज़्यादा जो तादाद होगी दे या ज़्यादा की जो तादाद उसके साथ आर वगैरह आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिक्रा देखते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिक्रा है उसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, यानी आप लोगों को पता चल गया होगा एस का मतलब सब्जेक्ट बनता है। और दूसरे नंबर पर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में मतलब एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा और इसमें मतलब एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तुम्हारा पूरा फिक्रा बन जाएगा। तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का पूरा फिक्रा। शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो लिख रही है, इसमें सब्जेक्ट है शी, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग इसमें है मतलब एक लिखना, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी। तो नेक्स्ट हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो नेगेटिव फिक्रे में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसमें आएगा नॉट, बी का मतलब इसमें मतलब एक हेल्पिंग वर्ब मतलब एक इसमें की बात हो रही है। तो नेक्स्ट इसमें नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें साथ आईएनजी लगना और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका पूरा फिक्रा क्या बनेगा, आई एम नॉट वीपिंग, मैं रो नहीं रहा हूँ या मैं नहीं रो रहा हूँ। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, इम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसमें क्यों नेगेटिव फिक्रा है, वीपिंग इसमें रोना है। तो वीप फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी का यूज़ होगा तो ये वीपिंग बन जाएगा, आई एम नॉट वीपिंग मैं नहीं रो रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्वले फिक्रे की, तो सबसे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और फिर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पूरा क्या बनेगा, इसमें मतलब बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका पूरा फिक्रा बनेगा नंबर थर्ड पे है, इसकी एग्जांपल आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, तो इसमें आर क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये शुरू में आ गया, क्योंकि हम पीछे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जब स्वले फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, यू इसमें सब्जेक्ट है और प्लेइंग इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ हो रहा है, इसलिए प्लेइंग बन गया। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस के उर्दू के फिक्रे की पहचान यह कि आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएंगे। उर्दू में पहचान यह कि आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, पास्ट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होना ही होना है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वाज वर होगा, ही शी इट के साथ वाज आएगा और मतलब एक बाकियों के साथ वर आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिक्र क्या तरतीब ये है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू बी यानी ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे, वाज वार आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होना है। तो आप लोगों को पहले भी पता है क्योंकि कंटिन्यूस में तो होता ही होता है वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल है पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस की जो मतलब पॉजिटिव फिक्र की है, ही वाज सॉल्विंग क्वेश्चन, वो सवाल हल कर रहा था। सिंपल है, वो सवाल हल कर रहा था। तो इसमें जो ही इसमें सब्जेक्ट है, वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्विंग इसमें मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्विंग इसमें वर्ब के साथ आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ है और क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ही वाज सॉल्विंग क्वेश्चन, वो सवाल हल कर रहा था। तो ही शी इट के मतलब ही शी इट के साथ वाज आता है, बाकियों के साथ मतलब एक बाकियों के साथ आएगा वर। तो नेक्स्ट मतलब देखें पास्ट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव की पहचान ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं पास्ट जो कंटिन्यूस का जो नेगेटिव फिक्र ये है, दे वर नॉट ब्रेकिंग द स्टोन, वो मतलब पत्थर नहीं तोड़ रहे थे। इसमें दे सब्जेक्ट है, वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ज़्यादा के साथ यानी वर आता है और ही शेट के साथ इसमें थर्ड पर्सन के साथ इसमें वाज आता है। तो नॉट इसमें क्योंकि नेगेटिव फिक्र है, नहीं की बात हो रही है, ब्रेकिंग बना तोड़ना होता है तो ब्रेक इसमें मतलब एक के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है तो ये ब्रेकिंग बन गया। तो ये वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हो गया, स्टोन के बना पत्थर होता है, दे वर नॉट ब्रेकिंग द स्टोन, वो पत्थर नहीं तोड़ रहे थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के स्वले फिक्रे की। तो इसमें जो आप लोगों को पहले पता है स्वले फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है वाज वार शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पूरा फिक्र बनेगा वाज ही राइटिंग अ लेटर,
क्या वो खत लिख रहा था? वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा था? तो वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो आगे अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी वाज ही राइटिंग अ लेटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूस की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान उर्दू में यह है कि आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आएंगे। तो इसमें यह है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पहले ही बताया, क्योंकि कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है और साथ आईएनजी का यूज़ होता है। तो इसमें जो शिल बी या विल बी मतलब एक हेल्पिंग तौर पर इस्तेमाल होता है, विल बी या शिल बी, तो इसमें ज़्यादा विल बी ही यूज़ होता है। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिक्र है वो यह है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शिल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके पूरा बनेगा, इसकी पहले एग्जाम्पल, आई शेल बी मेकिंग सेंटेंस, आई शेल बी मेकिंग सेंटेंस, मैं जुमले बना रहा हूँगा, मैं जुमले, आई शेल बी मेकिंग सेंटेंस, मैं जुमले बना रहा हूँगा। तो नेक्स्ट हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव फिक्रे की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शेल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पूरा क्या बनेगा कि वी शेल नॉट गोइंग टू मार्केट, हम बाज़ार नहीं जा रहे होंगे, वी शेल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, हम बाज़ार नहीं जा रहे होंगे, हम बाज़ार नहीं जा रहे होंगे, वी शेल नॉट। तो इसमें आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शिल इसमें क्या है, इसमें वी विल ही आएगा, विल ज़्यादा यूज़ होता है, वी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट इसमें सब्जेक्ट है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है नॉट इसमें नहीं, तो इसमें बी का यूज़ होना है, आपने याद रखना है, गोइंग टू बाज़ार, तो गोइंग इसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और मार्केट इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस की जो नेगेटिव फिक्र की पहचान, एक सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शेल, उसके बाद इसमें नॉट के, नॉट के साथ मतलब नॉट और आगे फिर बी आएगा, क्योंकि इसमें विल बी या शिल बी यूज़ होता है, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के इस वाले फिक्रे की, तो जो हेल्पिंग वर्ब है आप लोगों को पता है शुरू में आ जाएगा विल शेल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पूरा फिक्र क्या बनेगा कि विल यू बी डूइंग शॉपिंग, विल यू बी डूइंग शॉपिंग। तो इसमें क्या, इसमें चेंजिंग ये हुई है कि जो हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद बी आया है, क्योंकि जो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी या शिल बी का यूज़ होता है, विल बी या शिल बी का, शेल बी का यूज़ होता है। तो इसमें जो चेंजिंग ये हुई है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद डूइंग शॉपिंग। तो नेगेटिव फिक्रे में भी शिल और मतलब कि शिल और बी के बीच में नॉट लगा है, लेकिन आगे देखें इसमें नॉट मतलब कि इसमें ये इकट्ठे ही यूज़ होंगे। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, इसमें आपने नहीं भूलना, इसमें जो शेल के साथ या विल के साथ बी का यूज़ करना है, ये मतलब नेगेटिव फिक्रे में नॉट और नॉट मतलब कि इस बीच में मतलब नॉट को बीच में रख के पहले शेल आ जाएगा, उसमें नॉट भी, इसी तरह सवाले फिक्रे में मतलब सब्जेक्ट बीच में आएगा और शुरू में विल आ जाएगा और बी के बीच में हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, ये थोड़ी सी ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान उर्दू में यह है कि आखिर में चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, यी है, मतलब ये वगैरह आते हैं। तो इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसमें हैज़ हैव का यूज़ होता है इमदादी फेल के तौर पर, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो पॉजिटिव फिक्र यह है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, तो हैज़ ही शी एट के साथ हैज़ आएगा, बाकियों के साथ आई के साथ भी हैव आता है, और भी मतलब कि जो ही शी एट के साथ हैज़ आता है, बाकियों के साथ हैव आएगा, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट का पॉजिटिव फिक्र ये है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, यानी मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है, मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है। तो प्रेजेंट आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव फिक्र, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज आएगा, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंपल है। तो देखें नंबर सेकंड में, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर, यानी मुझे आपका खत नहीं मिला, या मुझे तुम्हारा खत नहीं मिला, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद योर लेटर, ये मतलब कि ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो सवाले फिक्र था, उसमें जो आप लोगों को पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, हैज़ हैव शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पूरा क्या बनेगा कि हैव आई रिसीव्ड योर लेटर, क्या मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है, क्या मुझे तुम्हारा खत मिला है, मतलब हैव इसमें यानी शुरू में आ गया, आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे क्या मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है, या क्या मुझे तुम्हारा खत मिला है। तो नेक्स्ट हम बात करें पास्ट परफेक्ट की,
तो पास्ट परफेक्ट की पहचान यह उर्दू में आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिर या था, ये थे या ये थे वगैरह आती हैं। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म में यूज़ होगी, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। इसमें हैड को मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम हैड को यूज़ करेंगे, सिंपल हैड को यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले इसमें पॉजिटिव फिक्री की पहचान यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तुम्हारा फिक्र बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर वन पे, वी हैड लेफ्ट हिम, हमने उसे छोड़ दिया। वी हैड लेफ्ट हिम, हमने उसे छोड़ दिया। तो इसमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हैड यूज़ हो गया, जो इमदादी फेल है यानी मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लेफ्ट इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो हिम इसमें ऑब्जेक्ट, यानी हम उसे वी हैड लेफ्ट हिम, हमने उसे छोड़ दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट की नेगेटिव फिक्र की पहचान, यह सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो पूरा फिक्र बनेगा कि इट हैड नॉट स्टॉप द रेन, यानी बारिश नहीं थम चुकी थी, बारिश नहीं थम चुकी थी, इट हैड नॉट स्टॉप द रेन। नेक्स्ट हम देखें पास्ट परफेक्ट के सवाले फिक्र की, तो अब लोगों को पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है सवाले फिक्रों में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो पूरा के इसका क्या एग्जांपल है, नंबर थर्ड पे हैड आई हैड स्टॉप द रेन, क्या बारिश थम चुकी थी, हैड इट स्टॉप द रेन, क्या बारिश थम चुकी थी। इसमें जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, इट इज़ में क्या है, इट इज़ में है हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब, और इट में इसमें सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म है ये मतलब एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और रेन इसमें है ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान यह है कि उर्दू में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आते हैं, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में इसमें मतलब है कि विल हैव यूज़ होगा, आपने याद रखना है शिल को काफ़ी कम यूज़ करना है, तो इसमें विल ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट की पॉजिटिव फिक्रों की पहचान यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पूरा फिक्रा देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का पॉजिटिव फिक्रा, यू विल हैव हेल्प मी, आप मेरी मदद कर चुके होंगे, यू विल हैव हेल्प मी, आप मेरी मदद कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट की नेगेटिव फिक्र की पहचान, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल शिल, उसके बाद नॉट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, पूरा फिक्रा बन जाएगा। नंबर सेकंड पे है यू विल नॉट हैव हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं कर चुके होंगे, यू विल नॉट हैव हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का जो सवाले फिक्र है, सबसे पहले आप लोगों को पता है जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है सवाले फिक्रों में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो पूरा बनेगा विल यू हैव हेल्प मी, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मतलब कि हैव और मतलब हैव या हैज़ आएगा, उसके बाद हेल्प, उसके बाद मी आ जाएगा। तो विल यू हैव हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम बात परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान यह है ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं, ये मतलब है कि आएंगे, या रही है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये वगैरह आती हैं। तो इसमें वर्ब की मतलब है कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, यानी कंटिन्यूस जो होगा, कंटिन्यूस आप लोगों को जहाँ भी नज़र आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, इमदादी फेल होगा, इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होगा। तो हैज़ बीन ही शी इट के साथ हैज़ बीन आएगा, बाकी के साथ हैव बीन आएगा। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव फिक्र देखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव फिक्र, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, इसमें हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ब के साथ आई, यानी हेल्पिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है, आ बुक इसमें मतलब के आ बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो सिंस मॉर्निंग यानी मतलब कि अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसमें सिंस या फर का यूज़ होता है, और इसमें जो मॉर्निंग मतलब ये सारा अगला हिस्सा ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। यानी जो एग्जैक्ट अगर टाइम की बात होगी तो फिर इसमें सिंस आता है, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं होती तो फिर इसमें फॉर आएगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव फिक्र की पहचान, यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो पूरा बनेगा
इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश सुबह से नहीं हो रही है, बारिश सुबह से नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्वैली फिक्रे की। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में यूज़ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पूरा बनेगा इसमें स्वैली फिक्रा, हैज़ शी बीन सिंगिंग, क्या वो गाती रही है, हैज़ शी बीन सिंगिंग, क्या वो गाती रही है। तो इसमें जो हैव बीन मतलब इसमें यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान आ गई आखिर में, ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, या अगर वक्त का हवाला दिया जाए, वक्त का हवाला दिया गया हो तो रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, क्योंकि इसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है इसमें वक्त का हवाला अक्सर दिया जाता है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगों को पहले ही पता है, वर्ब की फर्स्ट पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ होना है, उसमें हैड बीन यूज़ होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का इस्तेमाल होना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो पॉजिटिव फिक्र की पहचान है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, और उसके बाद हैड बीन यूज़ होना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो पूरा बनेगा जो पॉजिटिव फिक्र, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा था। तो नेक्स्ट हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव फिक्र की पहचान। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसमें हैड और बीन, या हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हैड और बीन के बीच में नाट आएगा, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नाट, उसके बाद बीन, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पूरा फिक्र क्या बनेगा, आई हैड नाट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग जो हैड, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हैड बीन के बीच में नाट आएगा, ये आपने याद रखना है, हैड बीन के बीच में नाट आता है। तो आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्वैली फिक्र की पहचान। तो इसमें सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, यानी हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पूरा बनेगा स्वालिया फिक्र, हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, यानी क्या मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा था, क्या मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके उर्दू की पहचान यह है कि उर्दू के फिक्रों में आखिर में रहा होगा, रहे होंगे वगैरह आता है। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होना ही होना है, क्योंकि कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता ही होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, विल हैव बीन का इसमें इमदादी फेल इसमें होगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का। तो इसका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जो पॉजिटिव फिक्र की पहचान, या सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शी आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पूरा फिक्र बन जाएगा पॉजिटिव, यू विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से सो रहे होंगे। तो आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसमें विल हैव बीन, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद स्लीपिंग, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, सेंस इसमें वक्त का हवाला दिया गया है, और मॉर्निंग इसमें मतलब एक ऑब्जेक्ट है, यानी आप सुबह से सो रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव फिक्र की पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल शैल, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट आएगा, और फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। यानी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये होती है कि यू विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल हैव बीन, तो विल हैव बीन के बीच में नॉट आया, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, बाकी आगे वैसे ही होगा स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप सुबह से नहीं सो रहे होंगे, तो सुबह, दोपहर, शाम, ये सारे एग्जैक्ट मतलब टाइम लोकेशन है, इसलिए इसमें सिंस यूज़ होगा, तो फॉर यूज़ होता है, एग्जैक्ट टाइम ना दिया गया हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के स्वैली फिक्र की। तो इसमें शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पूरा फिक्र बनेगा स्वैली फिक्र, विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से नहीं सो रहे होंगे। शुरू में इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू इसमें सब्जेक्ट आ गया, तो इसमें हैव बीन, तो विल हैव बीन के बीच में यू आया, ये आपने याद रखना है, बाकी इसमें स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से नहीं सो रहे होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा।